हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डीआरडीओ ने एक नई दवा कोरोना के लिए 2-DXO-D ग्लूकोज ओरल एक पाउडर के रूप में एक दवा को विकसित किया है। तो इस दवा के आने के बाद इसे आपात टाइम में यानी कि इमरजेंसी में मंजूरी भी मिल गई है कि आप इसे यूज कर सकते हैं इंडिया में, जिससे कि जल्दी से जल्दी कोरोना के मरीजों के ऊपर इलाज संभव हो सके और कुछ फायदा मिल सके, एक राहत मिल सके, या यूं कहिए एक राहत की खबर आई है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये जो डीआरडीओ की दवा है इसे किस फॉर्मूले पर बनाया गया है और आखिर ये किस तरीके से काम करती है कोरोना के खिलाफ, आखिर कैसे ये कोरोना के संक्रमण को धीमा कर देती है, रोक देती है? तो वही सब बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए, मैं एक एक करके सभी बातें कवर करूंगा। आपको जहां पर भी डाउट होता है, जो भी चीज़ ठीक नहीं लगती है, आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना संक्रमण जो कि देश में पूरी रफ्तार के साथ बढ़ रहा है, और इसकी वजह से पूरे देश में चारों तरफ एक तरीके से हाहाकार या त्राहिमाम मचा हुआ है। तो ऐसे में हर किसी को यही एक उम्मीद है कि कोई ना कोई ऐसी एक संजीवनी दवा की तरह ऐसी कोई दवा आए जो कि इस बीमारी को कंट्रोल कर सके। तो ऐसे में सबसे बड़ी एक उम्मीद की जो किरण बनकर के सामने आई है वो है डीआरडीओ की ये दवा। डीआरडीओ, जिसका फुल फॉर्म होती है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे देश को जो रक्षा क्षेत्र है उसमें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमेशा काम करता है। लेकिन अभी जब कोरोना महामारी का दौर है तो ये हमारी हर संभव प्रयास करने के लिए भी जुटा हुआ है। तो उसी समय जब वैक्सीन की मांग हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपूर्ति बहुत कम हो पा रही है, तो ऐसे में जिस दवा को कमी महसूस की जा रही थी वो दवा डीआरडीओ ने बना करके दी है, जिसके द्वारा लाखों देशवासियों की जान को बचाया जा सकता है। और इस नई दवा के जो परीक्षण में जो नतीजे सामने आए हैं उन्हें देखते हुए माना जा रहा है कि डीआरडीओ की जो एक प्रतिष्ठित प्रयोगशाला है, नाभिकीय औषधि और संबद्ध विज्ञान संस्थान, जिसे बोलते हैं INMAS, इसको याद रखिए हमेशा, क्या बोलते हैं इसे, INMAS, ये डीआरडीओ की एक लैब है। तो उसी लैब में इस दवा को विकसित किया गया है, जिसे बोलते हैं 2DG दवा। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, हिंदी में लिखें अगर 2DG, ठीक है, डी ग्लूकोज जो है इनको ऐड कर दिया है। तो ये कोरोना के इलाज में इनके परीक्षण के जो रिजल्ट बताते हैं गेम जो चेंजर है वो साबित हो सकती है, और ऐसा दावा किया गया है कि दवा के इस्तेमाल से मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो दवा नियामक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे बोलते हैं DGCI, जो कि हर एक दवा को मंजूरी देता है देश में यूज करने के लिए, तो उन्होंने इस दवा को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ये जो दवा है जो डीआरडीओ ने बनाई है, इसके संबंध में क्या कहना है कि इससे परीक्षण के समय जिन जिन मरीजों का इलाज हुआ था उनमें से अधिकांश लोगों की जो RT-PCR रिपोर्ट थी, जो कोरोना रिपोर्ट थी, वो नेगेटिव आई थी, और उनमें तेजी से जो लक्षण है उनकी भी कमी देखी गई थी। ये दवा क्या है, पाउडर के रूप में आती है, जैसा कि ये पाउडर का पैकेट आप देख रहे हैं जिसे आप मुंह से लेंगे, ठीक है, न कि किसी बोतल से ना इंजेक्शन से। तो पाउडर के रूप में एक पैकेट में आएगी जिसे पानी में घोल करके मरीज को दिया जाता है। और इस परीक्षण में डीआरडीओ को इस दवा के बहुत अच्छे नतीजे सामने आए थे, इसका जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ था वो भी सफल साबित हुए थे। और डीआरडीओ का दावा है कि जिन जिन मरीजों पर यह ट्रायल किया गया था उनमें बहुत स्पीड से रिकवरी हुई है, और ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन पर भी डिपेंडेंसी काफी कम हुई है। उसके अलावा जैसे जैसे मरीज ठीक होंगे तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है उसकी भी कम रिक्वायरमेंट होगी, और एक तरीके से देखा जाए कि बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी इस दवा के यूज करने के बाद। जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार क्या है कि जो वायरस का जो विकास होता है, अभी आपको मैं बताता हूं कि आखिर ये जो डीआरडीओ की जो दवा है वो कैसे काम करती है हमारे शरीर के अंदर। तो होता क्या है, जो ये वायरस है, कोरोना वायरस है, जो वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने विकास के लिए, उसके लिए ग्लूकोज का सहारा लेता है। तो अगर कोरोना वायरस को शरीर में ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो उसकी जो वृद्धि है वो रुक जाएगी। तो हमारी जो संक्रमित कोशिकाएं हैं उनमें जो जमा होने के बाद जो डीआरडीओ की जो विकसित दवा है ये एक वायरल संश्लेषण और ऊर्जा उत्पन्न करके वायरस को बढ़ने से रोकती है,
संक्रमित जो कोशिका है उसके साथ मिलकर के एक सुरक्षा की दीवार बना देती है, जिससे वायरस उस कोशिका के साथ ही अन्य हिस्सों में भी नहीं फैल पाता है। और DRDO के वैज्ञानियों का ये भी कहना है कि किसी भी टिश्यू या फिर कोई वायरस के विकास के लिए ग्लूकोज बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर उसे ग्लूकोज नहीं मिलता है तो उसके मरने की उम्मीद बढ़ जाती है, और इसी को मिमिक करके ग्लूकोज का एनालॉग बनाया गया। तो बाद में वैज्ञानिक और क्या बताते हैं कि जो वायरस जो कोशिका से जो चिपका हुआ ये जो दवा है इसको खा लेता है ग्लूकोज समझ के, क्योंकि वायरस को ग्लूकोज चाहिए होता है, तो जब ये ग्लूकोज का एक एनालॉग बना देता है ना उस टाइप का, तो इसी को ग्लूकोज समझ के वायरस खा लेता है या खाने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें पता है ये ग्लूकोज नहीं है, दवा है, तो इस दवा को खाने से कोरोना वायरस की मौत हो जाएगी और मरीज जो है वो ठीक होने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर वायरस की कमी आ जाएगी। और यही इस दवाई का एक मूल प्रिंसिपल है। और इस दवा से ऑक्सीजन की शरीर में कमी नहीं होगी, और जिन मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उन्हें भी इस दवा को लेने के बाद संक्रमण की आशंका बहुत कम हो जाती है। अब आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि आखिर इसके ट्रायल कब कब हुए। तो अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच में इस दवा के टोटल 3 स्टेप हुए थे। ये जो दवा है इसका अप्रैल 20 से लेकर के मार्च 21, यानी कि पूरे 1 साल 3 ट्रायल हुए थे इसके टोटल मिला करके। उसके बाद ये रिजल्ट सामने आया है। तो दवा का जो पहला चरण था वो अप्रैल से मई 2020 में पूरा हुआ था, और उसमें लैब के अंदर ही दवा का परीक्षण किया गया था। उसके बाद CDSCO जो कि होता है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, उन्होंने DGCI की मंजूरी के बाद दूसरे चरण के लिए जो क्लिनिकल ट्रायल है, तो मई 2020 से अक्टूबर 2020 के बीच में क्लिनिकल ट्रायल हुए थे, जो कि पूरे देश के 11 अलग अलग अस्पतालों में लोग टोटल 110 मरीजों को इसमें शामिल किया गया था। याद रखिए इसमें 11 तो हॉस्पिटल थे और 110 मरीज थे जो कि पूरे देश के थे, उन लोगों के ऊपर ये क्लिनिकल ट्रायल हुआ था सेकेंड स्टेप में। तो DGCI क्या बताता है कि जो 2DG दवा है इसका प्रयोग करने से कोरोना वायरस का जो ग्रोथ है उस पर एक इफेक्टिव रूप से कंट्रोल हुआ, और अस्पताल में जो भी मरीज भर्ती थे उन्हें जो दवा दी गई थी उनके जो हेल्थ है उसमें बहुत अच्छी रिकवरी हुई। लेकिन DRDO ने यह भी बताया है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी साथ में कहा है कि ये जो दवा है इसका उत्पादन बहुत जल्दी पूरे देश में भारी मात्रा में किया जाएगा, ऐसा संभव है। इसलिए क्योंकि जो पॉजिटिव जो लोग हैं पूरे देश में हैं और उनके लिए ऐसी दवा की कोई कमी ना रहे, और इससे जो कोरोना मरीज हैं उनको बहुत अच्छी बड़ी राहत मिलेगी। DRDO की यही कोशिश है कि यह दवा देश के हर एक नागरिक को हर जगह पर आसानी से उपलब्ध हो जाए। उम्मीद है हो सकता है कि अगले माह से यह दवा एक फिक्स प्राइस पर मार्केट में आ भी जाएगी, जो कि हर एक मरीज के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो इसे आप यूज करके लगभग वो कंडीशन नहीं आएगी कि सांस रुकने लगी या वेंटिलेटर एकदम से चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो आपको मैंने बता दिया दोस्तों इस वीडियो में कि आखिर जो DRDO की दवा है आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कैसे काम करती है। इन सिम्टम्स को देखेंगे, ये है COVID-19 का इन्फेक्शन, और यहाँ पर जब 2G दवा यूज की गई है DG तो इन्फेक्शन में काफ़ी कमी आई है। इन दो चित्रों से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। डाइंग सेल यानी कि सेल मर रहे थे, उसके बाद जब 2DG ट्रीटमेंट किया गया तो ये देखिए सेल वैसे के वैसे ही फिर से जीवित हो जाते हैं, सही हो जाते हैं बॉडी के सेल्स। तो इसीलिए इस दवा के बारे में बोला गया है कि यह दवा काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आपके लिए यूजफुल रही। आपको शायद पहले पता नहीं होगा कि यह दवा कैसे काम करती है, इस दवा को कैसे यूज करना है, कैसे खाना है, कौन से रूप में होगी, टैबलेट होगी, इंजेक्शन होगा, तो वो सब बातें मैंने इस वीडियो के अंदर कवर की। आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।